ये न्यूज़ तो दोस्तों आपने सुनी ली होगी। टर्की का जो आइकॉनिक चोरा म्यूजियम है, करिये म्यूजियम भी बोलते हैं इसको, फिर से अब मस्जिद में बदल दिया जाएगा। हैगिया सोफिया के बाद एक महीने के अंदर अंदर एक और म्यूजियम को मॉस्क बनाने की बात कही गई है। दुनिया भर में इस डिसीजन को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बेसिकली दिस इज अगेंस्ट द बेसिक टेनेट्स ऑफ सेक्युलरिज्म। टर्की की सरकार बोल रही है कि भैया दुनिया को कोई हक नहीं है कि वो हमको सेक्युलरिज्म पे लेक्चर दें। हमारा देश हमेशा से एक सेक्युलर कंट्री रहा है, आगे भी एक सेक्युलर कंट्री रहेगा। तो इसके ऊपर बहुत सी पॉलिटिक्स चल रही है, इंटरनेशनल पार्टीज भी पॉलिटिक्स कर रही हैं और एर्डोगन साहब भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब पॉलिटिक्स में ना जाते हुए इसकी हिस्ट्री को समझेंगे। यहाँ पे टर्की को थोड़ी बहुत हिस्ट्री, टर्की की हिस्ट्री को उसके साथ कनेक्ट करेंगे, बाइजेंटीन अंपायर के रोल को, फिर ओटोमन अंपायर के रोल को, ओटोमन की बाउंड्रीज कैसी थी, मुस्तफा केमल आतातुर्क जी का यहाँ पे क्या रोल था, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे बातचीत करी जाए। तो मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा दें और साथ साथ चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियोस को शेयर करें, क्योंकि देखिए वीडियोस बनाने में मेहनत काफी लगती है। ये पीछे का व्यू है आपका करिए म्यूजियम का, फ्रंट व्यू आपको यहां पे नजर आ रहा है। काफी सुंदर सा ये म्यूजियम है जो कि पहले एज अ चर्च बना था, बाद में ये बदल गया एक मॉस्क में, और फिर फाइनली इसको बनाया गया म्यूजियम, और अब ये फिर से क्या बन गया है, एक मॉस्क बन गया है। इसका नाम क्या है, द चर्च ऑफ द होली सेवियर इन चोरा। इसका नाम है द चर्च ऑफ द होली सेवियर इन चोरा। बात की जाए कि इसको चोरा म्यूजियम क्यों कहा जाता है, तो जो ग्रीक प्रोनाउंसिएशन है या फिर जो ग्रीक लैंग्वेज में जब इस चर्च का नाम लिखा जाता है तो एंड में चोरई नाम से एक शब्द आता है, चोरई, तो उस शब्द के नाम पे इसका जो नाम पड़ गया वो पड़ गया चोरा म्यूजियम। बाइजेंटीन अंपायर के दौरान ये बनना शुरू हुआ। देखिए ये म्यूजियम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कल्चरली भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आर्किटेक्चरली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी आप इस म्यूजियम के अंदर एंट्री करोगे, कभी कोई इस्तांबुल गया हो घूमने के लिए, अंदर की तरफ आप जाएंगे तो आपको इस तरीके के फ्रेस्कोस और आपको मोज़ेक्स नजर आएंगे। फ्रेस्कोस क्या होते हैं दोस्तों, फ्रेस्कोस होती है वॉल पेंटिंग। एक वेट प्लास्टर के ऊपर जब कुछ पेंट करके बनाया जाता है उसको बोला जाता है फ्रेस्कोस। तो इस पेंटिंग में आपको जो कुछ भी डिजाइन नजर आ रही है बहुत सारी पेंटिंग के थ्रू बनाई गई है। और क्या होता है कि कभी कभी एक कलरफुल पत्थर को जोड़ के जब आप एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हो तो उसको बोला जाता है मोजियाक। ये जो मोजियाक है, ये फ्रेस्कोज है, ये आपको दुनिया भर की जो इंपॉर्टेंट सिटीज रही है, जो एंशियंट कल्चरल सिटीज रही है, जैसे कि आप रोम की बात कर लीजिए, वेनिस की बात कर लीजिए, पेरिस की बात कर लीजिए, सेंट पीटर्सबर्ग की बात कर लीजिए, आप टर्की की बात कर लीजिए, यहां पे आपको इस तरीके के फ्रेस्कोस और मोजैक्स बहुत देखने को मिलेंगे। इंडिया में भी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, ऑब्वियसली यूरोप में जो स्ट्रक्चर्स हैं वो यूरोपियन कल्चर को डिनोट करेंगे, इंडिया में जो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो इंडियन एंशियंट कल्चर को डिनोट करेंगे। एक और बहुत इंटरेस्टिंग फोटो मैं आपको यहां पे दिखाना चाहूंगा दोस्तों, ये देखिए, ये 1903 की फोटो है इसी करिये म्यूजियम की। यहां पे आपको एक प्रॉपर मिनारेट नजर आ रही है, उस समय पे ये प्रॉपरली एक म्यूजियम, एक मॉस्क की तरह काम कर रहा था। एक पर्सन यहां पे अपनी भेड़ के साथ खड़ा हुआ है, तो ये भी एक आइकॉनिक पिक्चर है, विकिपीडिया से मुझे ये पिक्चर मिली है, ब्रुकलिन म्यूजियम के आर्काइव से इस पिक्चर को एक्सट्रैक्ट किया गया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि एक्चुअली में ये जो आपका चोरा म्यूजियम है, जो कि शुरुआत हुई थी इसको एज अ चोरा चर्च, जिसे बोला जाता है चर्च ऑफ द होली सेवियर इन द कंट्री या फिर द चर्च ऑफ द होली सेवियर इन चोरा, इसकी बनावट कब शुरू हुई? देखिए इसकी बनावट शुरू होगी 4th सेंचुरी AD में दोस्तों। उस समय पे ये जो प्रेजेंट डे इस्तांबुल नाम का शहर है इसको क्या बोला जाता था, इसको बोला जाता था कॉन्स्टेंटिनोपल। जो एम्परर था उस समय पे वो कौन था, वो था कॉन्स्टेंटीन द ग्रेट। अगर आपने हल्की फुल्की भी बेसिक वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है तो कहीं ना कहीं आपने कॉन्स्टेंटीन द ग्रेट का नाम जरूर सुना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको बहुत पता होना चाहिए इनके बारे में, बट नाम शायद आपने सुना होगा। ये कॉन्स्टेंटीन, वो भूत वाली जो मूवी थी कियानो रीव्स की, वो उसकी बात नहीं हो रही है। कॉन्स्टेंटीन द ग्रेट एक एम्परर का नाम है, रोमन एम्परर का। तो उस समय पे क्या होता था कि देखिए ये जितने भी राजे महाराजे थे, चाहे वो रोम के राजे महाराजे हों, चाहे इंडिया के राजे महाराजे हों, जो भी शहर था, अब देखिए इस्तांबुल तो एक बहुत बड़ा शहर है, उस समय पे जो कॉन्स्टेंटिनोपल था एक बहुत बड़ा शहर है, उस शहर के बीच में रहने के लिए एक बहुत बड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाते थे राजा महाराजा। तो शुरुआत में कॉन्स्टेंटीन का जो द ग्रेट का जो कॉम्प्लेक्स था, उस कॉम्प्लेक्स के बाहर इस चर्च की बनावट शुरू हुई। शुरुआत में तो इतना चर्च इंपॉर्टेंट नहीं था, 4th सेंचुरी AD में बनना शुरू हुआ, फिर 5th सेंचुरी AD में भी इसके बीच में कुछ काम हुआ,
आज की डेट में जो आपको ये चर्च नजर आ रहा है दोस्तों, ज्यादातर जो इसका बैकग्राउंड बना था वो बना था 1077 से लेके 1081 एडी के बीच में। तो आप कह सकते हो कि जो बेसिक एलिमेंट्स थे इस चर्च के वो 4th century AD में बनना शुरू हुए, और आज की डेट में जो आपको जैसा ये चोरा म्यूजियम या चर्च नजर आ रहा है वो कुछ कुछ इस तरीके का 1077 से लेके 1081 एडी के टाइम पीरियड में बना है। बीच में कई बार इसका रिकंस्ट्रक्शन किया गया, अर्थक्वेक की वजह से यह टूट भी गया, तो इस तरीके से इसका धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन हुआ। दोस्तों आप देखोगे बाइजेंटीन रोमन अंपायर के दौरान इसकी जो इनर वॉल्स थी, उस इनर वॉल्स में जैसा कि मैंने बताया बहुत सारे अच्छे अच्छे मोजियाक्स और फ्रेस्कोस बनाए गए जो कि आपको इस फिगर में नजर ही आ रहे हैं। समय बीतता गया दोस्तों, 1453 में क्या हुआ, एक बहुत मेजर इवेंट हुआ वर्ल्ड हिस्ट्री का, सीज ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बोला जाता है उसको, सीज ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। सीज ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल में क्या हुआ कि भैया ओटोमन्स आए, टर्क्स आए, और उन्होंने ये जो बाइजेंटीन अंपायर है इसको उखाड़ के बाहर फेंका। ठीक है, तो सीज ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुई, आपका बाइजेंटीन रोमन अंपायर खत्म हो गया और ओटोमन अंपायर आ गया। 1453 में ये इवेंट हुआ, 1500 के लगभग 1500 में जो आपके सुल्तान थे सुल्तान बायेजिद, इन सुल्तान बायेजिद टू का जो वजीर था जिसका नाम था अतिक अली पाशा, अतिक अली पाशा ने बोला कि ये जो चोरा चर्च है इसको अब हम एक मॉस्क में बदलेंगे, एक मस्जिद में बदलेंगे, और उसके बाद इसको मस्जिद में बदला गया। उस समय पे एक चीज जो नहीं होनी चाहिए थी वो ये हुआ दोस्तों, देखिए इमेजेस का, फोटोओं का, तस्वीरों का इस्लाम धर्म में प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इस तरीके के जो फ्रेस्कोज और म्यूरल्स बनाए गए थे ऑन द इनर साइड ऑफ दिस चर्च इनके ऊपर प्लास्टर कर दिया गया, और अर्थक्वेक्स भी आते रहे, तो अर्थक्वेक की वजह से और इस प्लास्टर की वजह से जो इंटीरियर आर्किटेक्चर है इस ओरिजिनल चर्च का, इसका जो इंटीरियर लुक था वो बिगड़ गया, उसको इररिवर्सिबल डैमेज हुआ। आप देखेंगे 1500 से लेके 1945 तक ये जो करिए म्यूजियम था ये एक मॉस्क की तरह काम करेगा, एक मस्जिद बन जाएगा, और 1945 में टर्की गवर्नमेंट ने इसको म्यूजियम में बदल गया। जब टर्की गवर्नमेंट ने इसको म्यूजियम में बदला और अमेरिकन से मदद मांगी, तो बहुत सारे जो अमेरिकन थे खासकर जो इस फील्ड में स्पेशलाइज करते थे, एक बाइजेंटीन इंस्टीट्यूट है अमेरिका का, वहां से बहुत सारे स्पेशलिस्ट आए और उन्होंने इस चर्च के जो इंटीरियर फ्रेस्कोस थे और मोजियाक्स थे उनको रिवाइव करने की कोशिश की, जैसे वो पहले थे वैसा करने की कोशिश की। कुछ हद तक उनको इस बात को करने में सफलता भी मिली, और फाइनली अब हमारे सामने ये न्यूज आ रही है 2020 में इस चर्च को बदल के कर दिया गया है एक मॉस्क। अब ये एक अनफॉर्चुनेट न्यूज है मैं बोलूंगा। तो ये तो था इस चर्च की हिस्ट्री, अब हम ओवरऑल देखते हैं कि भाई जो हिस्ट्री चल रही, इनफैक्ट जो पॉलिटिकल एग्जीगेंसीज चल रही टर्की में उसके बारे में यहां पे जानेंगे। देखिए सबसे पहले बात की जाए जो टर्की की लोकेशन है ना, तीन कॉन्टिनेंट्स जहां पे मिलते हैं वहां पे टर्की की लोकेशन। अब ये ग्रीन से आपको टर्की नजर आ रहा है, ये पूरा आपको दिख रहा है यूरोप, इधर की तरफ आपको दिख रहा है एशिया, और इस तरफ आपको दिख रहा है अफ्रीका। तो एशिया, अफ्रीका और यूरोप के जंक्शन पे ये टर्की सिचुएटेड है। आप कह सकते हो एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया जहां पे यूरोप एशिया से मिलता है वहां पे टर्की, यानी कि ये जो कंट्री है टर्की ये यूरोप में भी है, ये एशिया में भी है। जो यूरोपियन पार्ट है टर्की का इसको बोला जाता है थ्रास, जो एशियन पार्ट है टर्की का इसको बोला जाता है एशिया माइनर या अनातोलिया। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ये ओवरऑल आपको मैप दिख रहा है, ये भी टर्की आपका, इधर वाला जो टर्की का पार्ट है जो यूरोप में स्ट्रेच कर रहा है उसको थ्रेस बोलेंगे, और इधर का जो मेजर पार्ट है इसको आप बोलोगे एनातोलिया। यहाँ पे चार इंपॉर्टेंट सीज नजर आ रहे हैं आपको, इस पीडीएफ को मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, विनीत सर ने बहुत ही बेहतरीन पीडीएफ बनाई है, इस पीडीएफ की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप ऑफलाइन सेव करके इसको खुद भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए कौन कौन से समुंदर है टर्की के चारों तरफ, इस तरफ आपको नजर आ जाएगा ब्लैक सी, टर्की के नॉर्थ में आपको दो कंट्रीज वैसे दिख रही, एक दिख रही है बल्गेरिया, और हल्का फुल्का आप नॉर्थ ईस्ट में आपको, सॉरी नॉर्थ वेस्ट में टर्की में आपको दिख रही है ग्रीस, टर्की के वेस्ट में आपको नजर आ रहा है एजियन सी, इसी एजियन सी में और नीचे की साइड ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स है ना इनको लेकर टर्की और ग्रीस के बीच में अक्सर कर बहुत लड़ाइयां हुआ करती हैं, और ये जो पूरा इलाका है यहाँ पे इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज हुए हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज के चलते अक्सर कर ग्रीस और टर्की में एक वर्बल स्पैट्स भी मची रहती है, एक दूसरे के ऊपर ये इल्जाम डालते रहते हैं। तभी आपने देखा होगा कि जैसे ही करिए म्यूजियम को, जो कि पहले
शुरुआत में एक चर्च था, मॉस्क बना, म्यूजियम बना। अब जब इसको मॉस्क बनाया तो सबसे पहला जो इंटरनेशनल रिएक्शन आया, ये इंटरनेशनल रिएक्शन आया वो ग्रीस की तरफ से है। ग्रीस ने टर्की को बोला टर्की गलत कर रहा है, टर्की उल्टा ग्रीस को बोलने लगा कि ग्रीस हमको लेक्चर नहीं कर सकता, वो खुद जो मुस्लिम के खिलाफ कर रहे हैं वो सही नहीं है। इस तरीके की देखिए बातचीत इनके बीच में शुरू हो गई। तो टर्की की वेस्ट में एजेंसी, साउथ में आपको नजर आ रहा है मेडिटेरेनियन सी, बीच में ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी नजर आ रही है दोस्तों, सी ऑफ मरमरा। अब ये जो एशिया माइनर है और जो थ्रास है दोस्तों, यहां पे ये जो आपको थ्रास नजर आ रहा है और इधर पे जो आपको एशिया माइनर नजर आ रहा है, ये देखिए ये रहा थ्रास और ये रहा एशिया माइनर अनाटोलिया जो इस तरफ है। इसको बीच में यहां पे आपको ये नजर आएगा इस्तांबुल, इस्तांबुल के ब्रिज से एक छोटी सी स्ट्रेट पास होती है जिसको बोला था बॉस्फोरस स्ट्रेट, जो कि सी ऑफ मरमरा को और ब्लैक सी को जोड़ती है। इसके बीच से बहुत सारे शिप्स क्रॉस होते हैं, देखिए कितनी सारी कंट्रीज का ट्रेड इन्वॉल्व है स्ट्रेट के थ्रू, जॉर्जिया, रशिया, यूक्रेन, इधर रोमानिया, बुल्गेरिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल वाटरवे है। आप देखोगे ये जो आपका इस्तांबुल है जो कि आपका थ्रास की साइड पे, इस्तांबुल से बहुत सारी बोट्स चलती हैं आपकी एनाटोलिया के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है ये, कभी अगर मौका मिले तो जरूर जाइएगा। तो ये जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है इसकी लोकेशन भी मैंने आपको दिखा दी। अब हम बात कर लें रिलीजन की टर्की में। देखिए टर्की में तीनों रिलीजन मिलते हैं, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। सेंचुरी से पाए जाते हैं यहाँ पे, जो 99% लोग हैं टर्की के वो इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं, मुस्लिम धर्म है वहां पे। वहां पे आपको उनके कल्चर में, आर्किटेक्चर में, आर्ट में, लिटरेचर में, सबको सब में इस्लामिक इन्फ्लुएंस आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं सुन्नी मुस्लिम्स यहाँ पे 82.5% है, शिया मुस्लिम्स यहाँ पे लगभग 15% है, 2% लोग नॉन रिलीजियस है और बाकी अदर्स में आते हैं। एक सेक्युलर स्टेट है ये टर्की, जिसका कोई भी ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नहीं, और ये बहुत बड़ी बात है आज की डेट में। आज की डेट में कोई भी ऐसी इस्लामिक कंट्री जहां पे मैक्सिमम जनता इस्लामिक हो बट वो अपने आप को सेक्युलर बोले, ऐसे एग्जांपल्स है ही नहीं, और एक एग्जांपल है टर्की। और टर्की ट्रू सेंस में सेक्युलर रहा है दोस्तों, और इसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है मुस्तफा केमल अतातुर्क जी को, जिसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। टर्की में अगर आप रिलीजन की बात करोगे तो जो सेक्युलरिज्म है टर्की का वो इंडिया के सेक्युलरिज्म के जैसा नहीं है। टर्की में लोगों को बोला गया है कि भले ही आप मुस्लिम हैं, आपके धर्म को आप बहुत मानते हैं, बट आपका धर्म एक प्राइवेट अफेयर है और आप अपने धर्म को पब्लिकली दुनिया के सामने डिस्प्ले नहीं कर सकते। इंडिया में क्या होता है दोस्तों, इंडिया में आपका धर्म है, आप पीसफुल तरीके से पब्लिकली अपने धर्म को डिस्प्ले कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने रिलीजियस प्रोसेशंस निकाल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, पूजा कर सकते हो, अजान पढ़ सकते हैं, आप ये रामचरितमानस का पाठ करा सकते हैं संडे संडे अपने घर में, उसके लिए लाउडस्पीकर्स पे चीजें बोल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू पीस, किसी और को डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए आपके रिलीजियस एक्टिविटी वजह से। पर टर्की में ऐसा नहीं है, टर्की में आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करिए बट आपका रिलीजन आपका प्राइवेट अफेयर है, आप दुनिया भर में अपने रिलीजन को दिखा नहीं सकते। टर्की में लोग आए कहां से, तो आप देखिए तुर्किक पीपल्स एंड रिलेटेड ग्रुप्स माइग्रेटेड वेस्ट फ्रॉम तुर्किस्तान एंड वॉट इज नाउ मंगोलिया टुवर्ड्स ईस्टर्न यूरोप, ईरान एंड प्लेटू एंड एनातोलिया। ईस्ट तुर्किस्तान, देखिए तुर्किस्तान आज की डेट में जो इतना बड़ा चाइना है दोस्तों, वो एक्चुअली में चाइना इतना बड़ा था नहीं, चाइना केवल इतना था पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसके अलावा इधर था आपका तिब्बत और इधर था ये ईस्ट तुर्किस्तान जो अभी के लिए तुर्कमेनिस्तान का इलाका है, वहां पे भी तुर्किस्तान आता है, बट चाइना ने ईस्ट तुर्किस्तान का ऑलमोस्ट मेजर इलाका अभी हथियार रखा है। तो इस जगह से और कुछ कुछ मंगोलिया से टर्की में लोग एंट्री मारी थी उन्होंने। ज्यादातर जो माइग्रेशन हुआ था वो मीडिवल टाइम पीरियड में हुआ था, बाइजेंटीन अंपायर के दौरान ही ये जो माइग्रेशन था शुरू हो चुका था, और बाद में ओटोमन अंपायर ने अपने आप को यहां पे पूरी तरीके से स्थापित कर लिया। ओके, बाइजेंटीन एज के दौरान आप देखोगे कि जो क्रिश्चियनिटी है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ी। आपको टर्की के कल्चर में इस्लामिक आर्किटेक्चर और इन्फ्लुएंस के साथ साथ जो क्रिश्चियनिटी का आर्किटेक्चर है, जो क्रिश्चियनिटी के मास्टरफुल वर्क्स हैं, जिसमें से एक जस्टिनियंस चर्च ऑफ हैगिया सोफिया भी था, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो आज की डेट में बहुत सारे मॉस्क जो टर्की में ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे हैगिया सोफिया की बात कर लीजिए, करिए की बात कर लीजिए, जो सकता है आगे आने वाले समय में बहुत सारे म्यूजियम्स को फिर से मॉस्क बनाया जाए, तो उस केस में इन मॉस्क में आपको जो क्रिश्चियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर है वो भी नजर आएगा। अब देखिए ओटोमन एम्पायर की बात कर लेते हैं। ओटोमन एम्पायर एक्चुअली में बहुत बड़ा एम्पायर था दोस्तों। यहां पे हम लोग एक बार ओटोमन एम्पायर की फोटो देख लेते हैं।
ये जो आपको हरा हरा पोर्शन दिख रहा है ना, इस हरे कलर से पकड़िए, ओटोमन एम्पायर 1914। यहां से आपको नजर आ रहा है जो थ्रास वाला रीजन है, यहां से शुरू हो रहा है ये पूरा का पूरा ओटोमन एम्पायर में आ रहा है। सीरिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा, इराक का एक बहुत बड़ा हिस्सा, कुवैत, फिर आपका सऊदी अरेबिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा, पूरा का पूरा मक्का मदीना और एडन तक आते आते ये पूरा का पूरा आपका ओटोमन एम्पायर था। ओटोमन एम्पायर में बैठते थे आपके खलीफा, ठीक है, कैलिफेट। वो आप कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल गाइड थे, रिलीजियस गाइड थे, दुनिया भर में जो मुस्लिम्स थे उनके धर्म गुरु थे वो आपके टर्की में बैठते थे। और आप देखिए कि टर्की की जो ओटोमन एम्पायर की टेरिटरी थी वो और बड़ी थी। यहां पे ये वाला कलर देखिए, ये टेरिटरी लॉस्ट है 1800 लेके 1877 के बीच में। तो ये जो इलाका है आपका अफ्रीका का नॉर्दर्न, जहां पे आपका अल्जीरिया है, ये जो ग्रीस वाला इलाका है, रोमानिया का जो इतना बड़ा इलाका है, ये सब आपका ओटोमन एम्पायर का पार्ट था। लेकिन 1800 से लेके 1877 के बीच में ये ओटोमन एम्पायर की सेंट्रलाइज लीडरशिप के हाथ से निकल गया। फिर कुछ टेरिटरी 1878 से 1913 में भी लूज की ओटोमन एम्पायर ने, जो कि यहाँ पे ऑरेंज टाइप कलर से दिख रही है। तो ये आपको नजर आ रहा है जो प्रेजेंट डे तुनिसिया है, लिबिया, इजिप्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बुल्गेरिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मोंटीनेग्रो, अल्बेनिया, यहाँ पे जॉर्जिया, ये जो टेरिटरी थी ये भी एक समय पे ओटोमन एम्पायर के अंदर थी। 1878 से 1913 के टाइम पीरियड में ये ओटोमन एम्पायर के बाहर से निकल गई। 1914 में जब ओटोमन एम्पायर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कूदा, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आप देखोगे दोस्तों कि वो किसके साथ था, ओटोमन एम्पायर एंटर्ड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द साइड ऑफ अलाइड पावर्स एंड इमर्ज डिफीटेड फ्रॉम द वॉर इन 1918। 80 अलाइड पावर्स की तरफ से ये ओटोमन एम्पायर रहा, लड़ा और हार गया। सॉरी दोस्तों, ओटोमन एम्पायर अलाइड पावर्स के अगेंस्ट लड़ा। ओटोमन एम्पायर सेंट्रल पावर का पार्ट था, सेंट्रल पावर्स में आते थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गेरिया, ओटोमन एम्पायर बहुत सारे को बेलिजरेंट्स थे, इटली था इनकी तरफ। वहीं पे अगर आप देखोगे अलाइड पावर्स, तो अलाइड पावर्स के तरफ थे फ्रांस, ब्रिटिश एम्पायर, यूनाइटेड किंगडम ये वाला, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड, रशिया, सर्बिया, मोंटीनिग्रो, बेल्जियम, जापान, ये सब अलाइड पावर्स की तरफ थे। तो यहाँ पे अलाइड पावर जीतेंगे और आपके जो सेंट्रल पावर्स है वो हार जाएंगे। ओटोमन एम्पायर था सेंट्रल पावर्स की तरफ, ओटोमन एम्पायर हार जाएगा। 1918 में वॉर खत्म होगा, मोंड्रोस आर्मिस्टिस साइन होगा 30 अक्टूबर 2018 को, और इस आर्मिस्टिस के अंदर ओटोमन एम्पायर को तोड़ दिया जाएगा और इसकी टेरिटरीज पे ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और ग्रीस बंदर बांट कर लेंगे और ओटोमन एम्पायर यहां पे खत्म हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियस बात है, नेशनलिज्म की फीलिंग तो खत्म नहीं होगी ना। यहां पे एक विजनरी लीडर उठ के सामने आएंगे। ओटोमन की आर्मी में ये मिलिट्री कमांडर थे जिनका नाम था मुस्तफा केमल आतातुर्क। मुस्तफा केमल आतातुर्क एक नेशनल रेजिस्टेंस और लिबरेशन मूवमेंट को यहां पे स्पीयर हेड करेंगे। एनातोलिया जो प्लेट्यू है टर्की का, वहां के लोगों को मोबिलाइज करेंगे और सेल्फ नेशनलिज्म, सेल्फ डिटर्मिनेशन की तरफ लेके आएंगे और नेशनल इंडिपेंडेंस का झंडा उठाएंगे और लोग दोस्तों इनका साथ भी देंगे, ठीक है। उन्होंने स्पोरैडिक और डिसऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस ग्रुप को मोबिलाइज किया एनातोलिया में, एक स्ट्रक्चर्ड आर्मी में उसको कन्वर्ट किया और मुस्तफा केमल जी की लीडरशिप के अंदर में इनको आतातुर्क नाम दिया गया। इनका एंड नेम आतातुर्क इसलिए था क्योंकि इनको फादर ऑफ टर्क्स कहा जाता है। धीरे धीरे मुस्तफा केमल जी ने जिस रेजिस्टेंस को शुरू किया वो कोहेसिव होता गया और नेशनल लिबरेशन के लिए टर्क्स लड़ते रहे। ये जो टर्किश नेशनल लिबरेशन बनाई गई, 4 साल तक इसने लड़ाई लड़ी, 1919 से लेके 1922 तक, और कुछ हद तक वॉर को जीता भी। यहां पे जो आतातुर्क जी की विक्ट्री थी मिलिट्री फ्रंट पे भी थी और डिप्लोमेटिक तरीके पे भी थी। यहां पे देखिए फाइनली एक लॉजेन पीस ट्रीटी साइन की जाएगी 24 जुलाई 1923 को। ये जो लॉजेन पीस ट्रीटी हुई थी ना दोस्तों, इससे पहले हुई थी ट्रीटी ऑफ सेवरस। ट्रीटी ऑफ सेवरस हुई थी 1920 में और ट्रीटी ऑफ सेवरस 1920 के थ्रू ही ओटोमन एम्पायर की टेरिटरी को, ये जो विनिंग पावर्स थी ना फ्रांस, ब्रिटेन, इन्होंने आपस में बांट लिया था। आप देखोगे जो टर्किश नेशनल लिबरेशन था उसने उस बंटवारे को माना नहीं, वो अपनी आजादी के लिए लड़ते रहे। फाइनली लॉजन पीस ट्रीटी हुई 24 जुलाई 1923 को, जिसके थ्रू फिर से बाउंड्रीज को रीऑर्गेनाइज किया गया। तो आप देखिए ये जो आपको ओटोमन एम्पायर दिख रहा था, ये जो हरा वाला पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये ओटोमन एम्पायर था। अब ये पूरा हरा वाला पोर्शन आज की डेट में तुर्की थोड़ी ना है, तो इसी लॉजन पीस ट्रीटी के थ्रू ये जो ओटोमन एम्पायर था इसके और कुछ हिस्से को तोड़ के अलग कर दिया गया और जो आज की डेट में आपको टर्की नजर आ रहा है वो टर्की बनाया गया। और टर्की के लोगों से बोला गया कि देखिए अब ये आपका देश है, ये आपकी बाउंड्रीज है, आप यहां पे राज करिए और बाकी जो जगह है जो कि ओटोमन एम्पायर से
तोड़ दी गई हैं वो आपसे अलग हो गई, टर्की यहां पे बात मान गया। तो एक तरफ था टर्किश ये लिबरेशन, नेशनल लिबरेशन, और दूसरी तरफ था ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, ग्रीस, इटली जैसे दोष। ठीक है, तो द ट्रीटी रिकॉग्नाइज द क्रिएशन एंड इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ अ टर्किश स्टेट एंड गारंटीड इट्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस। जो आज का प्रेजेंट डे टर्की है वो बना था इसी ट्रीटी के थ्रू, लॉजिन पीस ट्रीटी 24 जुलाई 1923। ओटोमन एम्पायर तो देखिए दोस्तों बहुत बड़ा था, वो टूटता रहा। 1914 का ओटोमन एम्पायर था उसमें भी बहुत सारे हिस्से टूटने के बाद लॉजिन पीस ट्रीटी के थ्रू आज की डेट का जो टर्की बना है वो आपको नजर आ रहा है। टर्की को एक रिपब्लिक प्रोक्लेम किया गया 29 अक्टूबर 1923 को। टर्किश पीपल के पास सेल्फ रूल आ चुका था और मुस्तफा केमल जी पहले प्रेसिडेंट बने रिपब्लिक ऑफ टर्की के। हालांकि ये थे डिक्टेटर ही, चूंकि मिलिट्री लीडरशिप के थ्रू आए थे ये डिक्टेटर थे, बट अच्छे डिक्टेटर माना जा सकता है अब इनको, बहुत ही अच्छे इंसान थे, लोगों की भलाइयों में सोचते थे और टर्की को एक मॉडर्न और डेवलप्ड स्टेट बनाना चाहते थे। 15 साल तक ये प्रेसिडेंट रहे, इनकी मृत्यु होगी 1938 में, लेकिन अपने राज के दौरान इन्होंने बहुत से रिफॉर्म्स चलाए सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक और कल्चरल स्फीयर्स में। बहुत सारे अपने विजन, मतलब उस समय के अहेड की चीजों को सोचा और उनको इंप्लीमेंट किया। एक मॉडर्न पॉलिटिकल और लीगल सिस्टम बनाया जो कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे बेस्ड था, ह्यूमन राइट्स, नेशनल सोवरेनिटी, डिवीजन ऑफ पावर, प्राइवेट ओनरशिप भी दी गई, सेक्युलरिज्म के सिद्धांत को माना गया, स्टेट अफेयर्स में और रिलीजन में प्रॉपर सेपरेशन होगा, रिलीजन कभी भी स्टेट अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि जब जब रिलीजन स्टेट अफेयर्स में इंटरफेयर करेगा जो ओटोमन एम्पायर के साथ हुआ वो दोबारा हो सकता था, ये बात मुस्तफा केमल अतातुर्क जी को पता थी। उस समय की इस्लामिक सोसाइटी जो कि वुमेन को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती थी, यहां पे मुस्तफा केमल अतातुर्क जी ने टर्किश वुमेन को इक्वल राइट्स दिए, उनको वोट देने का अधिकार दिया गया, उनको बोला गया कि आप पब्लिक ऑफिसेज में बैठ सकते हैं। सोचिए उस समय पे वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज में भी ये सुविधा नहीं आई थी वुमेन के लिए, और टर्की जैसी कंट्री में सुविधा आ गई। एक ऐसा रेवोल्यूशन जो कि अपने समय के बहुत आगे था, अनपैरेलल्ड इन हिस्ट्री, और एक प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम नेशन वेस्टर्न सिविलाइजेशन की वैल्यू के करीब आ गया। कहते ना कि बहुत ही विजनरी सोच, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सेक्युलरिज्म का मुद्दा है ये टर्की में अभी थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जो टर्की का सेक्युलरिज्म है वो रिलीजन और स्टेट के बीच के रिलेशनशिप को प्रॉपर तरीके से डिफाइन करता है। सेक्युलरिज्म को पहली बार 1928 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1924 के थ्रू टर्की के संविधान में लेके आया गया। यहां पे एक प्रोविजन था पहले वाले संविधान में कि रिलीजन ऑफ द स्टेट इज इस्लाम, इस प्रावधान को 1928 के अमेंडमेंट के थ्रू हटा दिया गया, मतलब कि अब टर्किश के कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेट का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ठीक है, फिर आप देखोगे कि भैया स्टेट और रिलीजन का सेपरेशन होगा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। जो टर्की के एक्शंस है रिलीजन में उनको एनालाइज और इवेल्युएट कौन करता है, इसके लिए एक अलग से बॉडी बनाई गई जिसको बोला जाता है प्रेसिडेंसी ऑफ रिलीजियस अफेयर्स। ये प्रेसिडेंसी ऑफ रिलीजियस अफेयर्स टर्की की एक बॉडी है जिसको डायरेक्टरेट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स भी बोला जाता है टर्की में। ये क्या करती है, एग्जीक्यूट द वर्क्स कंसर्निंग द बिलीफ्स, वर्शिप्स एंड एथिक्स ऑफ इस्लाम, एनलाइटन द पब्लिक अबाउट देयर रिलीजन एंड एडमिनिस्टर द सेक्रेड वर्शिपिंग प्लेसेस। अभी आपको समझाता हूं एक एग्जांपल से। ये जो प्रेसिडेंसी ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, ये जो डायरेक्टरेट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स बॉडी है, आपको पता है जितने भी मस्जिद है टर्की में वो सारे मस्जिद का मैनेजमेंट इस बॉडी के अंदर आता है। उन मस्जिद के अंदर जो धर्म गुरु है जिनको आप इमाम बोलते हो, बेसिकली उनको एनलिस्ट कर रखा है इस बॉडी ने। ये बॉडीज इन इमाम्स को रेगुलर कर ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड करती है। ये इमाम्स अपने सर्मन्स के दौरान, मॉस्क में जो प्रेयर्स होती है ना, उन प्रेयर्स के दौरान भगवान को याद किया जाता है, उन प्रेयर्स के दौरान जो भी लोगों के सामने बोला जाएगा उसकी ड्राफ्टिंग भी प्रेसिडेंसी ऑफ रिलीजियस अफेयर्स करती है। और इमाम्स को टर्की में एक सिविल सर्वेंट का दर्जा दिया गया, बेसिकली दे आर सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स। तो इतना मॉडर्न स्टेट। ठीक है, तो अब आप देखिए कि उनके मॉस्क में कोई भी उल्टी सीधी चीज नहीं सिखाई जा सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है टर्किश स्टेट उस चीज को गवर्न कर रहा है। आप देखिए बहुत आगे, आज की डेट में अगर किसी अनरेगुलेटेड स्टेट में कुछ गलत चीजें लोगों को सिखानी जानी चाहिए, कोशिश की जाए अगर मदरसों में, वो टर्की में नहीं हो सकता। टर्की में जो स्टेट की ये बॉडी है प्रेसिडेंसी ऑफ रिलीजियस अफेयर, जो कि सीधे गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती है,
वो ड्राफ्ट करती है कि हाँ भाई आपके मॉस्क में क्या क्या सिखाया जाएगा, क्या प्रेयर्स पढ़ी जाएंगी, कैसे लोगों को मेंबर्स बनाया जाएगा, कैसे इमाम्स को रखा जाएगा, कैसे लोगों को बताया जाएगा कि आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करिए। तो ये सब चीजें हैं। अब यहां पर एंट्री होती है राइज ऑफ अर्डोगन एज प्राइम मिनिस्टर। अभी के लिए अर्डोगन साहब प्रेसिडेंट थे, ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं टर्की के 2003 से लेकर 2014 में, और मेयर ऑफ इस्तांबुल रह चुके 1994 से लेकर 1998 में। इन टाइम पीरियड में इन्होंने टर्की के लिए बहुत अच्छा काम किया है। शुरुआत से ही इन्होंने कोशिश की कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को ये अलग रखें। मॉडर्न मुस्लिम की इनकी इमेज है। रिलीजियस टेनेट्स के साथ साथ इन्होंने डेवलपमेंट और प्रोग्रेस पे भी ध्यान दिया। ओके, इन्होंने एक स्ट्रॉन्गर जुडिशरी बनाई, मिलिट्री की जो ताकत थी एक्सेसिव ताकत उसको कम किया, ह्यूमन राइट्स को इन्होंने सपोर्ट किया। सब कुछ इन्होंने बहुत अच्छा किया दोस्तों, लेकिन प्रॉब्लम कब हुई, जब इनकी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे खतरा आया। उससे पहले देखते हैं दोस्तों, आप देखिए जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था टर्की का, वो अर्डोगन जी के समय पॉजिटिव हो गया। 2002 से लेकर 2007 तक जो एवरेज जीडीपी ग्रोथ थी टर्की की वो 6-7% के बीच में थी। एजुकेशन में स्पेंडिंग बढ़ी, हेल्थ केयर में स्पेंडिंग बढ़ी। जो कुर्ड्स थे जो कि टर्की की सेंट्रलाइज लीडरशिप के साथ हमेशा लड़ते रहते हैं, उनको भी एजुकेशन प्रोवाइड की गई, उनको और सपोर्ट्स प्रोवाइड किए गए, थोड़ी बहुत उनको ऑटोनॉमी दी गई। लगातार कंसेक्यूटिव इलेक्शंस जीते अर्डोगन साहब ने। प्रॉब्लम यह थी कि टर्किश के संविधान के हिसाब से एक प्राइम मिनिस्टर 2 से ज्यादा टर्म्स नहीं कर सकता। तो जैसे ही 2 टर्म्स अर्डोगन साहब के खत्म हुए, उनको समझ में आया कि अब क्या करें। प्राइम मिनिस्टर की 2 टर्म्स करने के बाद अर्डोगन साहब के पास एक ऑप्शन था कि भैया प्रेसिडेंट बन सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट बस एक नॉमिनल हेड था उस समय पे, जैसे कि इंडिया में है ना कि प्रेसिडेंट के पास कोई ताकत नहीं, जो ताकत है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेड बाय प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट के पास है। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास ताकत ही नहीं, वैसे ही कुछ टर्किश कॉन्स्टिट्यूशन में था। तो अर्डोगन साहब ने पावर को छोड़ के किसी जिम्मेदार आदमी को प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे बैठाने के बजाय ये डिसाइड किया कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को लाके अपनी ताकत को बढ़ाऊंगा, प्रेसिडेंशियल पावर को बढ़ाऊंगा। अब यहां पे जो टर्की की मिलिट्री थी वो रोल में आ गई। टर्की की मिलिट्री को मुस्तफा केमल आतातुर्क ने एक जिम्मेदारी दी थी कि जब भी टर्की के कॉन्स्टिट्यूशन पे खतरा आएगा, आप टर्की के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएंगे। हालांकि अब आप पूरी तरीके से यहां पे मिलिट्री को अच्छा नहीं बोल सकते टर्की में, कहीं ना कहीं मिलिट्री लीडर्स ने टर्की में बहुत बार कूप करने की कोशिश की है 1960 में, 71 में, 80 में, 97 में। जब अर्डोगन साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की कोशिश की, फिर से टर्किश मिलिट्री पे में आ गई और एक कूप करने की कोशिश की। जैसे तैसे अर्डोगन साहब बच गए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग अर्डोगन साहब से बहुत खुश थे और लोगों ने इस मिलिट्री कूप को होने से, तख्ता पलट को होने से रोका। फिर आप देखोगे बाद में अर्डोगन साहब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को लेके आ पाए, अपनी पावर्स को बढ़ा पाए, और बाद में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को ही अबॉलिश कर दिया और अपने आप को ऑल ताकतवर बना दिया। एक रेफरेंडम कंडक्ट कराया गया इसी प्रेसिडेंशियल पोस्ट को लेके, अर्डोगन साहब की ताकत को लेके, और इस रेफरेंडम में लोगों ने अर्डोगन साहब का सपोर्ट किया। हालांकि ये सपोर्ट बहुत नैरो मेजोरिटी से था, कहीं ना कहीं लोगों को भी लग रहा था कि भाई एक ऐसा संविधान जहां पे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है जो इतने सालों से सही तरीके से काम कर रहा है, क्या एक आदमी को जिताने के लिए पूरे के पूरे संविधान को, पूरे के पूरे ढांचे को बदल देना सही है? ऑब्वियसली बात है, कुछ तो लगेगा ना भाई कि गड़बड़ हो सकती है, गड़बड़ हुई भी। आप देखिए जब से प्रेसिडेंट बन के आए हैं ये आपके अर्डोगन साहब, तब से जो कुर्डिश टर्किश कॉन्फ्लिक्ट है ये कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है वो कम हुई है, जब से कूप अटेम्प्ट हुआ है जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है वो बहुत ज्यादा कम हो गई। करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, ब्राइबरी, इस तरीके के जो इल्जाम है वो लग रहे हैं वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। और देखिए दोस्तों ये होगा भी, अगर आप प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीगेंसीज को देखें, देखिए जब भी किसी एक देश में एक तरीके का गवर्नेंस फ्रेमवर्क काम कर रहा है, अगर आप उस गवर्नेंस फ्रेमवर्क को एकदम पलट के रख दोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ सिस्टम है, एकदम से कल की डेट में आप बोलो कि भाई पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ सिस्टम नहीं है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और एक आदमी ताकतवर हो गया, तो जो पूरा का पूरा ढांचा है गवर्नेंस का वही बदल जाएगा। समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सा काम कौन कर रहा है। कुछ ऐसा ही टर्की में भी हो रहा है। फिर टर्की में मिलिट्री प्रॉब्लम्स भी बहुत है। जो कुर्ड्स हैं वो बहुत डोमिनेट करते हैं टर्की के मेजर इलाकों में, खासकर साउदर्न टर्की में कुर्ड्स डोमिनेट करते हैं। ये कुर्ड्स बोल रहे हैं टर्की की सरकार को कि भैया हमको हमारा इंडिपेंडेंट लोन दो, हमें इंडिपेंडेंट एरिया दो, हम इंडिपेंडेंट कुर्दिस्तान बनेंगे। तो जो साउदर्न पार्ट्स ऑफ टर्की है वहां पर ना ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं, ठीक है, वहां पर जो कुर्ड्स हैं लगातार बवाल कर रहे हैं। ओके, प्लस सीरिया के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है टर्की, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। टर्की को इकॉनमी को
इस मिलिट्री कॉस्ट के चलते 350 से $450 बिलियन खत्म करना पड़ा है। कहीं ना कहीं कुर्दिस्तान वाले इशू की वजह से टर्की में टूरिज्म भी कम हुआ, हालांकि फिर भी जो टर्की की अच्छी अच्छी जगह है, जैसे इस्तानबुल हो गया दोस्तों, और भी बहुत जबरदस्त जगह है टर्की में, कैपाडोकिया हो गया, पामुक्कले हो गया, अंतल्या हो गया, बहुत खूबसूरत जगह है। ठीक है, वहां पे होता है अभी भी टूरिज्म, लेकिन हाँ साउदर्न टर्की में थोड़ा टूरिज्म कम है। कुछ दिन पहले हमने ये न्यूज सुनी थी, आ गया सोफिया को फिर से इन्होंने मॉस्क में बदल दिया, 1500 ईयर ओल्ड स्ट्रक्चर था, इसको तो मुस्तफा केमल आतातुर्क जी ने खुद एक म्यूजियम में बदला था। पहले ये चर्च था, फिर मॉस्क बना, फिर म्यूजियम बना, अब ये फिर से मॉस्क बन गया, यहाँ पे प्रेयर्स हो रही हैं। इसके आगे सोफिया के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये पीपीटी में अवेलेबल करा दूंगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये जो चीजें दोस्तों हुई हैं वो कहीं ना कहीं इस वजह से हो रही हैं कि देखिए अर्डोगन साहब को अपने लोगों का सपोर्ट चाहिए, कहीं ना कहीं जो इस्लामिक सेंटिमेंट है वो यहां पे डोमिनेट करता हुआ नजर आ रहा है। अर्डोगन साहब की लीडरशिप के अगेंस्ट बहुत सारे लोग आवाज उठा रहे हैं। अब जब आवाज उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको खुश करना पड़ेगा, खुश करने के लिए आपको पॉपुलिस्ट सेंटिमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। तो यही अर्डोगन साहब जो पहले इकोनॉमी को वैल्यू देते थे, सेक्युलर क्रेडेंशियल्स को वैल्यू देते थे, अब रिलीजियनिज्म भी उनकी थ्योरी में हारा है। हालांकि आप देखो कि ये जो मॉस्क, ये जो म्यूजियम से मॉस्क बनाया गया है, इस मॉस्क को बनाने में कोई खास सीधी सीधी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या गवर्नेंस प्रॉब्लम, टर्की के संविधान को बदला गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जब इस तरीके की अपीजमेंट टैक्टिक्स शुरू हो जाती हैं तो वो खत्म कहां होंगी, इस बात की बाउंड्री सेटल करने पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। अभी अर्डोगन साहब अपनी प्रेसिडेंटशिप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और उस प्रेसिडेंटशिप को बचाने के लिए जितने भी बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क थे उनको उन्होंने बदल दिया। वो अपनी प्रेसिडेंटशिप छोड़ना नहीं चाहते, कुछ कुछ वो प्रेसिडेंट फॉर लाइफ बनना चाहते हैं, उनके प्रति अपोजिशन बढ़ रहा है लोगों का, तो कहीं ना कहीं उस अपोजिशन को शांत करना है। उस अपोजिशन को शांत करने के लिए पॉपुलिस्ट टैक्टिक्स अपनाना है, और ये उन पॉपुलिस्ट टैक्टिक्स का वो है, एक मैनिफेस्टेशन आप कह सकते हो। आगे आने वाले समय में ये चीज कैसे अनफोल्ड होगी ये मैं आपको समझाऊंगा। आई होप यहाँ पे टर्की की हिस्ट्री आपको कुछ हद तक समझ में आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नीचे कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर बताइएगा इस वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा।